हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास सिक्स की एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स। जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, ये आसानी से आप कर लेंगे। इसमें से इसको घटाना है, इस नंबर में से इस नंबर को घटाना है। लेकिन जो आगे के पार्ट दिए गए हैं सी डी ई और एफ, इनमें आपको करना क्या है, जैसे 6258 यानी कि 6258 फ्रॉम 7102 7102। अब देखो ये संख्या छोटी है ये बड़ी है, तो जो फ्रॉम के बाद वाली डिजिट है इस नंबर में से आपको पहले वाले डिजिट को घटाना है। जैसे कि मैंने ये पार्ट आपको करके भी एक पार्ट करके दिखा रखा है, सी पार्ट है ये 6258 फ्रॉम 7102। तो 7102 को ऊपर लिखेंगे और 6258 को नीचे लिखेंगे। तो हम जब इसे माइनस करेंगे, 12 में से 8 जाएंगे, 4 बचेगा, यहाँ 9 बच जाएगा, 9 में से 5 गए 4 बचेगा, यहाँ 0 बचेगी, एक इधर से लिया 10, 10 में से 2 गए 8 और यहाँ 6 में से 6 गया तो 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये बाकी के पार्ट सोल्व करने हैं। अब जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन, उसमें दिया है आपको फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड द डिफरेंस ऑफ 8925 एंड 6250। ये दो नंबर दे रखे हैं, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इनका सम निकालना है, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, जैसे 500 257 8921 को एक का हासिल लगा, 1 8 6 14 1 15, तो ये तो आया हमारे पास इन दोनों का सम। अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है, यानी कि एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करना है। तो इस तरफ हमने निकाला है इसका डिफरेंस, तो 5 में से 0 गए 5, 2 बचा 2 है इधर, 12 में से 5 गए 7, यहाँ 8 में से 2 गए 6 और 8 में से 6 गए तो हमारे पास 2 बचे, ये आया हमारे पास डिफरेंस। अब हमें क्या करना है कि जो सम आया और डिफरेंस आया, इन दोनों का भी क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो देखिए किस तरीके से किया है, जो हमें डिफरेंस निकालना था उसको हम करेंगे कि डिफरेंस बराबर सम माइनस डिफरेंस। जो पहला वाला सम आया 15175 उसको लिखा और 2675 उसको लिखा, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास आया 12500। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।